नमस्कार साथियों, दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय SSC GD पर आधारित है और आज का जो हमारा ये वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से अपने तैयारी को आखिरी अंजाम दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुश्किल से लगभग एक महीने का वक्त रह चुका है और ऐसे में जो है हमारी तैयारी को जो है अंतिम जो पड़ाव है वो आ चुका है। दोस्तों आज का जो हमारा विषय वो है SSC GD के लिए जो मैथ है, यानी जो 40 नंबर के हमारे मैथ आने हैं। क्वेश्चन तो आपके 20 आने हैं लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो एक्यूरेट 40 नंबर का जो है आपका मैथ का जो है पोर्शन है और ऐसे में गणित जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसमें अगर ज्यादा समय लेते हैं तो आपका समय भी जो है कि वेस्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका गणित जो है बहुत अच्छे से तैयार हो, क्योंकि देखिए आप हिंदी में कम समय लेंगे, GS में भी कम समय लेंगे, रीजनिंग में कुछ चैप्टर है जिसमें जो है कि आपको समय लग सकता है, परंतु मैथ जो है आपको विशेष फोकस किस पे देना है, मैथ पे, क्योंकि ये आपका नंबर जो है सिक्योर करेगा और ये आपके नंबर फिक्स करेगा कि हाँ जो है 20, अगर 20 प्रश्न में से जिस बच्चे का 17-18 प्रश्न सही हो जाते हैं मैथ के तो उसका जो है सेलेक्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। पर मैं जो आज का वीडियो लेकर आया हूं, ये जो पिछला पेपर हुआ था पिछले साल 2021 वाला, उसके जितने भी पेपर्स थे, जितने भी उसके जो है सेट थे, उनकी एनालिसिस के आधार पर आज का ये हमारा वीडियो है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उन चैप्टर्स पे विशेष फोकस रखेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे हमारा लाभ और हानि, इससे दो प्रश्न कंफर्म आने ही आने हैं। तो मैं लिख देता हूं 2 प्रश्न, ठीक है? कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न। लाभ हानि से कितने? 2 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है हमारा प्रतिशत और बट्टा, 1 प्रश्न आएगा प्रतिशत से और 1 प्रश्न बट्टा से आएगा, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए इन दोनों सभी मिला के। फिर है काम समय। काम समय में भी देखिए दो चीजें हैं। एक आता है कार्य क्षमता पर आधारित, 1 प्रश्न पूछा जाएगा कार्य क्षमता पर आधारित और एक जो रहेगा आपके 3-4 आदमी मिलकर काम कर रहे होंगे, तो काम समय से भी मैं 2 प्रश्न रख रहा हूं। ये जो मैं प्रश्नों की जो संख्या बता रहा हूं ये ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूं, मैंने एनालिसिस किया है पिछले जो इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको मैंने देखा और उसके आधार पे मैंने जो है एनालिसिस करके ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इससे भी 2 प्रश्न, ठीक। संख्या पद्धति में दोस्तों विभाजिता पर आधारित जितने भी प्रश्न है आपको बहुत अच्छे से देख के जाने हैं, विभाजिता पर आधारित प्रश्न जो है आया है पेपर में पिछले साल भी, 2 प्रश्न इससे भी मैंने रखा हुआ है। दोस्तों इसके बाद है अनुपात, मिश्रण और साझेदारी। देखिए अनुपात का जो यूज है वो मिश्रण में भी है और साझेदारी में भी है, तो अनुपात समानुपात तो ये तो एक चैप्टर है लेकिन उसका यूज जो है उससे रिलेटेड ही है मिश्रण और साझेदारी, तो इन जो तीनों टॉपिक है ना इनसे मैंने 2 प्रश्न रखे हुए हैं, 1 प्रश्न आपका साझेदारी से और 1 प्रश्न मिश्रण से, एलिगेशन। अगला है हमारा ब्याज। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ब्याज जो है 2 प्रकार के होते हैं, SI और CI, साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको जो है एक प्रश्न हमारे पेपर में सिंपल इंटरेस्ट से आएगा और 1 प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, तो 2 प्रश्न ब्याज से भी है। चाल दूरी समय से भी 2 प्रश्न। क्यों? चाल दूरी समय में आप देखते होंगे एक तो हमारा जो है कि नाव धारा से प्रश्न आएगा और एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी और एक नाव धारा, तो 2 प्रश्न मैंने इससे भी रखा हुआ है। फिर है औसत से 1 प्रश्न, कितने? केवल 1 प्रश्न, औसत से केवल 1 प्रश्न आएगा। और LCM और SCF से, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो LCM और SCF पे किसी सेट में जो है कि तारीखों में पेपर हुए थे पिछली बार, तो क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा आपका तो वो भी जो है कि कई डेट्स में होंगे, कई शिफ्ट में होंगे, लगभग 3 शिफ्ट बनाए जाते हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट बनते हैं, तो ये जो LCM SCF है किसी शिफ्ट में आया था किसी शिफ्ट में
नहीं आया था, परंतु हमको पढ़ना है, एक प्रश्न आने हैं, बहुत छोटा टॉपिक है हमारा, उसको हमको कवर करना है। और अब मैं जो है ये मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि अब जितने भी समय बच गए हैं मैं आप सबके लिए गणित के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 20-20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 20-20 क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और मैं 20-20 प्रश्न के ही जो है सेट सॉल्व करवाऊंगा। और आप सब हमारे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं एसएससी जीडी के जितने भी मैथ के सेट्स हैं वो सारे लगवाऊंगा और 20-20 प्रश्न, 20-20 प्रश्न का हमारा सेट होगा, ताकि जो है कि आप बहुत अच्छे से जो है कि अपनी तैयारी पर जो है ध्यान दे सके और अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सके कि कहां पे कमी हो रही है, कहां हमारा जो है कौन सा पोर्शन मजबूत है उस पर कम ध्यान देना है, कौन सा पोर्शन हमारा कमजोर है उस पर जो है अधिक ध्यान देना है। दोस्तों इसमें एक टॉपिक हमारा छूट रहा है, वो है मेंसुरेशन। क्या है मेंसुरेशन? मेंसुरेशन में कितने प्रश्न आएंगे? दो प्रश्न। कितने आएंगे? दो प्रश्न, 2D और 3D दोनों हमको देख के जाना है। केवल आप फार्मूला देख लेना बस हो जाएगा, बहुत नॉर्मल प्रश्न आया है, मैंने पिछली बार का पेपर देखा है, बहुत आसान प्रश्न आया है, यकीन मानिए यूपी पुलिस से भी आसान प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो हमारे टोटल हो कितने गए प्रश्न? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 टोटल कितने प्रश्न हो गए? ये 20 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने हैं और मैं बारी बारी करके जो है हर एक टॉपिक भी क्लियर करा रहा हूं। उसके साथ ही साथ अब जो है चूंकि समय कम रह गया है तो हमको केवल और केवल सेट लगाना है, एक महीने का समय है, आप केवल और केवल सेट लगाइए और खास तौर से जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, उससे आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो है पेपर में जो है प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, उनका लेवल क्या था और कौन से जो है टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए थे, कुछ चीजें जो है आपको क्लियर होंगी। ये तभी क्लियर होगा जब आप सेट लगाएंगे। अब एक ही महीने रह गए, ऐसे में जो है कि नया चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, हाँ उन चीजों को जरूर पढ़े जो कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।